बिलासपुर जिला के आयुर्वेदिक अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर प्रवीण व डॉक्टर संदीपा के होनहार बेटे स्वास्तिक गर्ग ने याददाश्त यानी कि शार्प मेमोरी में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले स्वास्तिक राइटिंग फास्टेस्ट प्रोडक्टेबल में विज्ञान के फॉर्मूले मात्र 83.38 सेकंड में लिखकर विश्व रिकॉर्ड बना चुके हैं। अमेरिका की गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की ओर से आयोजित ऑनलाइन प्रतियोगिता में स्वास्तिक ने मात्र 1 मिनट में 70 शब्दों को याद किया और उनका सटीक जवाब दिया। अमेरिका की गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की ओर से आयोजित ऑनलाइन प्रतियोगिता में बिलासपुर के स्वास्तिक ने मात्र 1 मिनट में 70 शब्दों को याद किया और उसका सटीक जवाब दिया। बिलासपुर के नवज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने वाले स्वास्तिक मूल रूप से सोलन जिला के सुबाथु के समीप नौरा खंडोल गाँव के निवासी हैं। स्वास्तिक ने बताया कि यह एक ऑनलाइन परीक्षा थी और कोई भी इस परीक्षा में भाग ले सकता था। कंपनी ने जो उनसे प्रश्नावली दी थी उसका पूरा वीडियो बनाकर भेजा गया और उस समय करीब 20 से 25 लोग उपस्थित थे। कंपनी ने पूरे वीडियो को देखने के बाद ये तय करने के बाद कि इसमें कोई छेड़छाड़ तो नहीं हुई है, उसके बाद उसे प्रमाण पत्र जारी किया गया है। इससे पहले ये विश्व रिकॉर्ड 1 मिनट में 50 शब्दों को याद करने का था जिसे उन्होंने तोड़ा है। स्वास्तिक के अनुसार उसने तेज याददाश्त रखने वाले कोई भी व्यक्ति इस रिकॉर्ड को कभी भी तोड़ सकता है। इससे पहले स्वास्तिक राइटिंग फास्टेस्ट पीरियोडिकल में विज्ञान के फॉर्मूले 83.38 सेकंड में लिखकर विश्व रिकॉर्ड बना चुका है, जबकि पहले ये रिकॉर्ड 90 सेकंड का था। बिलासपुर के जिला आयुर्वेदिक अस्पताल में तैनात डॉक्टर प्रवीण व डॉक्टर संदीपा का बेटा स्वास्तिक गर्ग आरंभ से ही विलक्षण प्रतिभा का धनी है। वर्तमान में वे बेंगलुरु के क्राइस्ट यूनिवर्सिटी से मनोविज्ञान विषय में स्नातक की पढ़ाई कर रहा है। वर्ष 2017 में स्वास्तिक ने अमेरिका की गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शार्प मेमोरी की ऑनलाइन परीक्षा में भाग लिया था, जिसका प्रमाण पत्र 3 दिन पहले ही उसे मिला है, जिसमें उसने याददाश्त के मामले में विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। स्वास्तिक को कंपनी ने याद करने के लिए 70 शब्द दिए थे जिसने उसे 1 मिनट में याद किया और सीधा व उल्टा बताने के अलावा बीच में कौन से क्रम पर शब्द कौन सा है ये बताकर प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया। मेरा नाम स्वस्तिक गर्ग है। मेरा हाल ही में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अप्रूव हुआ है जिसका नाम है लॉन्गेस्ट सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स मेमोराइज्ड इन 1 मिनट। ये उसका सर्टिफिकेट है जो मुझे आज ही मिला है। इस वर्ल्ड रिकॉर्ड में मुझे 70 वर्ड्स दिए गए थे याद करने को, और जैसे कि वो रैंडम वर्ड्स थे, जैसे कि स्विच, टेबल, चेयर, बल्ब, फैन, और मैंने उन सभी वर्ड्स को 1 मिनट में याद करके उन्हें सीक्वेंस में सीधा सुनाया था, रिवर्स ऑर्डर में भी सुनाया था, और मुझसे रैंडमली भी पूछे गए थे, जैसे कि विच वॉज द 31st वर्ड, 32nd वर्ड कौन सा था, 39th वर्ड कौन सा था। और आज मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड अप्रूव हो गया है। मेरे इससे पहले भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है जिसका नाम है राइटिंग फास्टेस्ट पीरियोडिक टेबल। उस वर्ल्ड रिकॉर्ड में मैंने 83 सेकंड्स में पूरा पीरियोडिक टेबल लिखा था। तो मेरे 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड अप्रूव हो चुके हैं और मैं इसका सारा श्रेय अपने माता पिता को और आर्ट ऑफ लिविंग के इंट्यूशन कोर्स को देना चाहता हूँ। इंट्यूशन कोर्स ने मेरी ज़िंदगी में लाइक बहुत सारा चेंज लाया। उसके बाद ही मुझे ऐसे थोड़े हटके अलग से आइडिया आने लगे कि मैं कुछ अलग करता हूँ दुनिया से, और इससे मेरी मेमोरी की बहुत ज़्यादा रिटेंशन पावर भी बढ़ी, और मेरी बहन ने भी मुझे इसमें बहुत हेल्प की, और आजकल मैं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में BA साइकोलॉजी, मास कम्युनिकेशन और इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि वो बचपन से ही कुछ अलग सा था। वो अलग और क्लास में सबसे अलग रहता था, स्कूल जाना कम पसंद करता था, अपने हिसाब से ही वो पढ़ाई करना चाहता था। वो मतलब किसी भी चीज़ में बॉन्ड होके नहीं रह सकता कि मुझे डेली स्कूल जाना है, होमवर्क करना है, ये चीज़ें उसको ज़्यादा पसंद नहीं थी, उसे अपने हिसाब से पढ़ना पसंद था। स्वस्तिक शुरू से ही मेहनती बच्चा रहा है, कुछ अलग करने की उसकी चाहत रहती है, तो वो रूटीन वाले काम नहीं करता है बल्कि कुछ हटके करने का रहता है। तो वो जैसे स्कूल भी जाने में कम इंटरेस्टेड रहता था, तो अपने पढ़ाई अपने हिसाब से करनी, फिर कभी गिटार बजाना, कभी वर्ल्ड रिकॉर्ड उसमें बनाना, जी पीरियोडिक टेबल लिखने में मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है वो उसने किया। फिर मेमोरी पे उसका इंटरेस्ट था शुरू से ही, तो उसने मेमोरी के लिए काम किया और उसमें उसने सफलता हासिल की और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया।
एक मिनट में 70 वर्ड्स को याद किया। तो मतलब उसका एक जो ध्यान योग जो वो उसने सीखा, उसके बाद उसमें फर्क लगा।